शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के बेतहूब जानता है। तमाम देखने वाले और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब खान स्वाथी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तैयब खान स्वाथी। मेरे साथ हैं मेरे फैमिली फ्रेंड्स और कज़न। जी तो नाज़रीन, मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ एक बहुत ही पुरकशत जन्नत नज़ीर वादी में, जो हमारी शनक्यारी के बिल्कुल साथ वाकिया है, जो कुंड बंगला के नाम से जाना जाता है। तो आज का ट्रैवलिंग सफ़र शुरू करते हैं मेन शरारेशम से, जो यहाँ से चाइना तक जाती है। शनक्यारी मेन बाज़ार के बिल्कुल करीब जूनियर लीडर एकेडमी से एक लिंग रोड जाता है, जो फरेस रोड के नाम से जाना जाता है। तो आइए अपने खूबसूरत से टूर का आगाज़ करते हैं। ये रोड आपको डायरेक्ट फरेस कॉलेज लेके जाएगा। रास्ते में एक स्टॉप है जिसे ठंडी खुई के नाम से जाना जाता है। जब भी आप कुंड बंगला के लिए रवाना हो तो यहाँ से पीने का साफ शफाफ कुदरती पानी लेते जाइएगा। एक बात और आपको बताता चलूं कि जब भी आप यहाँ घूमने आए तो जीप का इंतखाब करें, क्योंकि और कोई भी गाड़ी फरेस रोड से आगे नहीं जाएगी। फरेस रोड तक आपको अच्छी और पक्की सड़क मिलेगी, इसके बाद कच्ची सड़क शुरू हो जाती है। पहले यही सड़क पक्की थी, मगर शदीद बारिशों की वजह से अब टूट फूट का शिकार हो चुकी है। अब डर लग रहा है? किस तरह है रास्ता? मुश्किल है? नहीं। एक और इंफॉर्मेशन शेयर करता चलूं, फरेस कॉलेज के गिर्द अनुवा में हमें कुछ फासले तक आबादी नज़र आएगी, मगर इसके बाद कहीं दूर तक कोई घर या आबादी देखने को नहीं मिली। शनक्यारी से फरेस कॉलेज 15 किलोमीटर के फासले पर है। अगर आप इस्लामाबाद से आएंगे तो पहले मानसर और फिर मानसरा से हज़ारा मोटरवे से शनक्यारी 30 मिनट में पहुंचेंगे। अभी फरेस कॉलेज से आगे बढ़े हैं, हमने अपना सफ़र जीप पर किया, कुछ सफ़र बैठ कर कुछ खड़े होकर। इस दौरान रास्ते में खूबसूरत तरीन मकामात देखने को मिले। कुछ वक्त के लिए आप कुदरत के हसीन नज़ारों में खो जाएंगे, जैसे इस हसीन मंजर को बड़ी फुर्सत से बनाया गया हो। कहीं ये सदियां पुराने सूखे पेड़ और कहीं एकदम हरे भरे हूबरू दरख्त, ऊंचे पहाड़, इन पहाड़ों के सर पे झूमते बादल, पे बिछी यह नरम और गुदास घास जिस पे शबनम के गिरते कतरे रस करते हैं। यहाँ ऐसा लगता है जैसे आप किसी अजीम मुसव्वर की खूबसूरत पेंटिंग के सामने रुक से गए हों। यहाँ हर मुकाम और रास्ते के हर मोड़ पे आपको चरवाहे नजर आएंगे, जो अपने माल मवेशियों को चराने में मसरूफ रहते हैं। हंसते मुस्कुराते गपशप में कब हमने 3 घंटे का सफ़र ख़त्म किया पता ही नहीं चला, और हम डना के मुकाम पर पहुंच गए। ऊंचे पहाड़, ठंडी यहबस्ता हवाएं, हरे भरे दरख्तों की छाँव में गुजरता यह सफ़र काफ़ी पुरसकून और रूह परवर था। डना के मुकाम पर हम जैसे ही पहुंचे, एक अलग कुदरती नज़ारा देखने को मिला। हम काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके थे, एक पल के लिए यूं लगा जैसे मैं आसमां की सैर में हूँ और ज़मीन के सारे मुकामात यूं नज़र आ रहे हैं जैसे ज़मीन वालों को आसमां पर सितारे नज़र आते हैं। यूं हर मुकाम अलग नज़र आ रहा था। मेरे पीछे जो आपको वो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, हम वहाँ से गुजरते हुए यहाँ डना के मुकाम पर आए और यहाँ से ही सीधा हम आगे जाएंगे। हम जिस वक्त यहाँ डना के मुकाम पर पहुँचे, इंतहाई खूबसूरत जगह है, और यहाँ से हम जितना आगे जाएंगे इंशाल्लाह इतनी ही ज़्यादा खूबसूरती हमें देखने को मिलेगी। अच्छा जी, तकरीबन मैं 2 घंटा हम सफ़र करने के बाद इस जगह डना के मुकाम पर पहुँचे। यहाँ से मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ। इधर
यहाँ से आप जो है कांडा, बफा, बजना, शनकारी और जितना भी तहसील बफा पखल है उसका आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये सबसे पहले दरियाल, फिर उसके सामने छिया टांडा, फिर आगे शिकारी, डोडियाल, वो मानसरा तक। शायद कैमरे की आंख आपको नहीं दिखा रही लेकिन आप वो मानसरा बाईपास तक यहाँ से व्यू कर सकते हैं। कुछ देर डना के मुकाम पर रुकने के बाद हमने आगे का सफ़र शुरू किया। यूं आधे घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँचे कुंड बंगला। ये हम इस वक्त कुंड बंगला के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। ये आप कुंड बंगला की खूबसूरती भी देख सकते हैं और सामने आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढके हुए। व्यू लेके हम यहाँ पे ड्रोन फ्लाई की हुए एक खूबसूरत सा व्यू जो है वो कैप्चर करते हैं। ये आगे ये कुंड बंगला का पस मंज़र आपसे शेयर करता चलूं। यह सतह समुंदर से 84,000 फुट की बुलंदी पे 1904 में गवर्नमेंट ने जंगलात की हिफाजत पर मामूर अपने मुलाजमीन के लिए तामीर करवाया। 1947 के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसे फारेस मुलाजमीन के लिए खसूसी कर लिया। 1995 तक यह अपनी असली हालत में मौजूद रहा मगर फिर यह हमारे फारेस्ट के मुलाजमीन और अफसरान की अदम तवज्जो के सबब मुतरक्का इमारत बनकर रह गया। मजीद जुल्म 2005 के जलजले में हुआ जिसकी वजह से यह खूबसूरत इमारत गिरकर मलबे का ढेर बन गई। अब 18 साल गुजर जाने के बाद भी किसी को इसकी हालत जार पे रहम नहीं आया। यहाँ पे स्याह पूरे पाकिस्तान से आते हैं मगर ज़िला मानसरा के लोगों बलखसूस शनकारी, बफा, डोडियाल, डाडर, जबोड़ी और दड़ियाल के लोगों की मनचाही जन्नत है। नज़दीक होने की वजह से आए रोज़ सियाहत के शौकीन हजरात की टोलियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं। ये कुंड बंगला का मुकाम है वादी सरन और ये दरख्त पे अला लिखा हुआ है। माशाल्लाह सुभान तेरी कुदरत। ये फिलहाल तो हम कुंड बंगला पे हैं लेकिन यहाँ से आगे जाएंगे जो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ आपको बताता चलूँ शनकारी से कुंड बंगला तक 5 घंटों का सफ़र है जो आप कुदरती नज़ारे देखे बआसानी तय कर सकते हैं। तो आए मज़ीद आगे चलते हैं। 30 मिनट के फासले पर एक और हसीन वादी हमारी मुंतज़र है जिसे वादी सरन कहा जाता है। वादी सारा इंतहाई पुरकशिश, दिलफरेब, पुरसकून, हसीन व जमील और कुदरती नज़ारों से माला माल है। एक वक्त हज़ारा पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत नज़ारों को समेटे हुए यह टाप
हर मौसम में मुनफरिद कुदरती हसन से भरपूर है। अगर आप राइश से तंग होते हैं और आपको साफ़ शफाफ और ताज़ा हवा भी नहीं मिल रही और साथ साथ ज़्यादा सफ़र भी नहीं करना चाहते और कम बजट में खूबसूरत तरीन सरसब्ज पहाड़ और गने दियार के दरख्त से भरे जंगलात देखना चाहते हैं तो वादिय सरा की सैर को निकलें। यहाँ आपको मैदान भी देखने को मिलेंगे और एक मैदान क्रिकेट के लिए बनाया गया है जिसे सरा ग्राउंड कहा जाता है, जहाँ पर हर साल ईद पर क्रिकेट का शानदार मेला सजाया जाता है जिसको देखने के लिए पूरे ज़िला मानसरा से लोग आते हैं। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद इस खूबसूरत वादी की ठंडी तरोताज़ा हवा में बैठ के हमने खाना खाया और साथ ही इसके खूबसूरती को ड्रोन कैमरे की मदद से कैप्चर किया ताकि आप भी देख सकें। अभी मैं ड्रोन फ्लाई कर रहा हूँ, एक खूबसूरत सा व्यू जो है वो कैप्चर करता हूँ। अभी आपको मैं ड्रोन फ्लाई दिखाता हूँ। ये ड्रोन है, ये इसका कैमरा है, ये देखें, एक मिनट अभी इसका जो है व्यू लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे लेटूंगा और वो सामने से मेरा जो है वो ड्रोन शॉट लेंगे। ड्रोन आ गए, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, तो मैं अपना एक क्लिप लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जहाज उठ के पर आए तो एक व्यू आ जा ले। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से आप नारां, शोगरां, सिरी पाए और मूसा मसल्ले के खूबसूरत बर्फ़ से ढके पहाड़ों को देख सकते हैं जो कुदरत का एक हसीन शाहकार हैं। काफ़ी टाइम से मैं इस व्यू के इंतज़ार में था क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा थे तो ये वाला व्यू नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, ये जो सामने वाला जो पहाड़ है बर्फ़ वाला, ये मूसा का मसल्ला है और इसके साइड जो बादलों में गिरे बर्फ़ वाले पहाड़ हैं ये शोगरां, सिरी पाए और वहाँ के जो ऊंचे पहाड़ हैं नारां साइड के जो भी हैं वो हैं। आप यहाँ से इनके नज़ारे बआसानी कर सकते हैं, लेकिन ये बादलों में थे। अभी ये कुछ नज़र आए हैं जो मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपके पास टाइम है तो इसके अलावा आगे मज़ीद खूबसूरती को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ से आगे इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगह हैं, जिसको एक एक जगह जो है वो शहीद पानी के नाम से पहचानी जाती है। इसके अलावा आगे मंडकुछा आता है, फिर उसके बाद मूसा मसल्ला आता है, यहीं से सीधा आगे उसकी तरफ ट्रैक निकलता है। तो हमारे पास अगर वक्त होता तो हम भी ज़रूर शहीद पानी तक तो जाते, लेकिन यहाँ से आगे एक घंटा लगता है तो हमारे पास वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हमने यहीं पर स्टे किया है ये सरा के मकाम पर। तो इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में मज़ीद यहाँ से आगे जाऊँगा, आगे भी एक्सप्लोर करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। हाय, कैसी लगी आपको जगह, कैसी लगी? बड़ा ही पुरसकून माहौल है, साफ सुथरी सी जगह, ना कोई शोर शराबा है और बिल्कुल खामोशी सी है। इस जगह के बारे में लोग इतना जानते नहीं हैं इसलिए यहाँ पे कोई नहीं आते। मेरे ये आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है। काफ़ी ठंडी होती जा रही है। अच्छा जी, अभी मेरे पास जो है वो चार्जिंग भी जो है ख़त्म हो गई है तो अभी मैं व्लॉग को एंड करने वाला हूँ।
इंशाल्लाह अगली बार जो है मैं यहाँ से आगे शहीद पानी तक जाऊँगा, यहीं से आगे कोशिश करूँगा व्लॉग स्टार्ट करूँ, क्योंकि यहाँ तक तो हो गए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आई होप के मैंने आप लोगों को जितना गाइड करना था वो कर लिया है, आप भी समझ गए होंगे क्योंकि मैं फ़िलहाल इतना ही कर सकता था। इसके अलावा अगर आप जो है कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मुझे इंस्टाग्राम पे तैयब हान स्वाति पे फॉलो कर सकते हैं।